हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बिल्कुल सुभाष नगर के पास में बेरी वाला बाग है, और वहाँ पर बेर लगते हैं। जिस प्रकार अभी होली का मौसम है और होली आने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, तो अभी हम इसलिए बच्चों को वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि बच्चे वो चीज़ देखें। और वहाँ पर बेर लग रहे होंगे, हम वो भी देखेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे। देखते हैं, चलते हैं, कुछ नई चीज़ें बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिखाने भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि हर बारी होली में जब पूजा होती है तो बेरों से ही होती है, सीजन की होती है। तो चलिए चलते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। हे गाइस, ये सुभाष नगर आ गए हम बेरी वाले बाग। चलिए गाइस, इधर अभी टिकट्स मिलेगी अंदर जाने के लिए। ये सारी बेरी वाले बाग की एंट्री है और अभी हम जाएंगे अंदर बेरी वाले बाग। वाओ गाइस, यहाँ पे झूले भी है। हेलो, इनकी तो जान बन गई है, तो भागा झूले के लिए। गाइस देखिए, गेंदे के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गेंदे के फूल। और यहाँ छोटे छोटे बेर पड़े हैं, जिगा जिगा बेर पड़े हैं छोटे छोटे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया बेरी वाले बाग के नाम से ही ये फेमस है। ये देखिए, ये पेड़ सामने लगा है, इसमें पेड़ में बेर लगे हुए हैं। मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ गाइस, इन पेड़ों में बेर लगे हुए हैं, क्योंकि बेर ना हरे रंग के ही हैं, अभी येलो नहीं हुए, इसलिए कुछ कम नज़र आएंगे। और अभी हम वहाँ झूले की साइड चलते हैं। गाइस बहुत अच्छे झूले हैं यहाँ, मज़ा आ गया तन्मय का तो। कह रहा था झूले झूलने हैं, कहाँ लिया है आप, कहाँ लिया है, हमें बेर नहीं खाने, देखने नहीं है। गाइस ये देखिए बेर लगे हुए हैं इसमें, देखिए देखिए, अगर आपको नज़र आएंगे तो बेर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे पड़े हुए बेर बहुत सारे, ये देखिए बेर ये पड़े हुए छोटे छोटे, अभी कच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे जगह जगह बेर पड़े हुए हैं। ये बेरी वाले बाग के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। युवराज क्या झूल रहा है, ये ले अकेला ही झूल रहा है, क्या बात है। गाइस ये देखिए बच्चों के झूले पे ये झूल रहे हैं दोनों, क्या बात है, क्या बात है। गाइस बहुत अच्छे झूले हैं, मुझे तो पता ही नहीं था बेरी वाले बाग में, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी बचपन में आई हूँ तो मुझे नहीं पता। गाइस ये देखिए, ये बत्तख वाले झूले है, मजा आ रहा है। हाँ क्या बात है, चलिए आगे वो वाले झूले भी झूलेंगे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए कैसा झूला, गिर जाऊंगी यूनी बेटा धीरे। ये देखिए गाइस, ओ नहीं यूनी, ये देखिए गाइस कितना अच्छा झूला, यूनी बस बेटा तेज नहीं, तेज नहीं, तेज नहीं, बस 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 चक्कर आ गए, बस 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 आप बैठो इस पे, आप बैठो ना, बच्चों का झूला है, मुझे बिठा। ये देखिए झूले का स्टाइल, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाओ। गाइस हम अपने स्कूल में भी एक पे झूलते थे, ये गिरना नहीं, मैं की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्या बात है। ये देख, ये देखो तन्मय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, तन्मय गिर जाएगा बेटा, इस वाले झूले पे आ जा, क्या बात है। गाइस ये देखिए गाड़ी चला रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी गाइस ये गाड़ी पे बैठना चाह रही हूँ, थोड़ा आगे बैठ जाऊ। हुर्रे गाइस जी आ गए भाई, ओ गिर, गाइस जी आ रहे तन्मय भाई साहब, वो ऊपर से चढ़े हैं। आओ यूडी भाई साहब, अब इधर से, इधर से, ये क्या है, बस कपड़े गंदे हो रहे हैं। जल्दी आओ, आओ जल्दी,
हे गाइस, इस साइड के झूले हमने झूल लिए छोटे बच्चों के थे, अब चलते हैं इस साइड के झूले देखने हैं, बड़े बच्चों के झूले हैं। और यहाँ देखिए इस वाले पेड़ में सारे बेर येलो येलो लगते हैं, देखो कितने छोटे छोटे बेर पड़े हैं, कितने छोटे छोटे बेर पड़े हैं, पूरे में बेर ही बेर पड़े हैं। तो बेरी वाला बाग है ना, बेर बहुत है। मजे में क्या है, उल्टा सीधा चढ़ता है यार, तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। बारिश है ना, बारिश की वजह से थोड़े गीले भी है झूले। गाइस ये तन्मय इन साइड से आ रहे हैं। गाइस युवराज ये ना, और ये तन्मय हमेशा उल्टा सीधी जगह जाते हैं। गाइस वन क्या, गाइस बहुत मजा आ रहा है। तन्मय कहाँ है, तन्मय कहाँ है, तन्मय था ना अपना, तन्मय भाई साहब कहाँ गए, तन्मय भाई साहब उधर से आ गए। वन टू थ्री वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मुड़ना नहीं है गाइस, कितनी सुंदर बटरफ्लाई बनी हुई है, हाँ गिरना नहीं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अगला सेकंड पकड़ना, सेकंड वाले को पकड़ो, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। गाइस तन में अपने टारगेट को पूरा करके रहता है, कोई भी टारगेट ले ले इसको अचीव करके रहता है। वेरी गुड, ये देखिए गाइस इसमें लग रहे हैं बिल्कुल, ये देखो ये देखो लग रहे हैं ना बेर पीले पीले। और ये गाइस युवराज भी चैलेंज को करेगा, ये सारी क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए ये देखिए टूटे फूटे फूल पे जा रहे हैं, चलिए हम भी जाते हैं, बड़ा सा होल है इधर। गाइस ये लेवल पार करने थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, मैं इसमें बचा। ये देखिए कितने मोटे मोटे बेर हैं, बिल्कुल हैरानी वाली बात है। मैंने तो देखो पहली बार ही देखे, देखा जाए तो कितने मोटे बेर है, ये देखो कितने मोटे मोटे बेर यहाँ पड़े हुए हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है, बड़े मोटे मोटे बेर हैं ये, इतने मोटे मोटे बेर लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पास में लगे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल पास में पीले पीले बेर लगे हुए, ये देखो वाह इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। ये देखो ये बिल्कुल पास में ये पीले पीले बेर इतने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल पास में ही लगे हुए हैं मोटे मोटे बेर, पीले पीले बेर। वाह नहीं नहीं मत तोड़ मत बेटा, मैं दिखाता हूँ, इतनी अच्छी रहती है, क्या बात है, मिनट में चल गए दोनों, क्या बात है। येलो वाले से आओ, येलो वाले से, लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो मम्मी झूली है, मम्मी से देखते हैं क्या झूला जाते कि नहीं, अभी तक भाई से तो झूला नहीं जा रहा। ये युवराज ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर लगातार बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, मौसम भी ठंडा है। और गाइस अभी और हम जाके वापस साइकिल चलाएंगे गाइस, पक्का। नहीं मौसम ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा भाग दौड़ ज्यादा हो गई है, छोटे छोटे बच्चे देखो यहाँ पे फुटबॉल सीखने आए हैं, और अभी टाइम हो चुका है, इवनिंग हो गई है, तो सभी बच्चे आ रहे हैं फुटबॉल सीखने के लिए,
तो बहुत एक अच्छी व्यवस्था यहाँ दी हुई है बेरी वाले बाग में बच्चों को। क्या बात है गाइस, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इधर और बड़ा अच्छा लगा इधर आके, और काफी बच्चों के लिए एंजॉयमेंट है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है और बड़ों के लिए भी। यहाँ पर काफी सारी चीजें, जो पेड़ है ये बहुत साल पुराने हैं, हमारी दादी के समय के पेड़ है क्योंकि मेरी दादी यहाँ आसपास ही रहते थे, उनका मायका था यहाँ। और बेरी वाला बाग जो है बड़ा प्रसिद्ध है सुभाष नगर में, और यहाँ बेर जैसे कि मैंने आपको दिखाया बेर भी लगे हैं। तो ऐसी कुछ नई चीजें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय। लोग बाहर आ गए, बेरी वाले बैग के बिल्कुल सामने हैं और आप ये देख सकते हैं जो बेर है ये कैसे दिए बेर, ये सेम इतने बड़े बड़े बेर हमने अभी देखे हैं अंदर। ये 50 के आधा किलो वो वाले, तो 50 के आधा किलो मतलब कि 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो यहाँ बेर का रेट है। और हम अभी हम लोगों ने अंदर फ्री मिले थे तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े खाए।